श्री एच के गुप्ता कमान 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया बिहार के द्वारा राजकीय कृत उच्चतर विद्यालय बोध गया बिहार के परिसर में वृद्ध स्तर पर वृक्षारोपण एवं स्वच्छता रैली की गई है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल के अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, बलकर्मी और विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के द्वारा लगभग 145 पौधा विद्यालय परिसर में लगाए गए हैं, जिसकी थीम एक पेड़ माँ के नाम थी। इस अवसर पर श्री एच के गुप्ता कमान 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया के द्वारा छात्रों को वृक्षारोपण की उपयोगिता तथा पर्यावरण को बचाने व पेड़ के महत्व के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ छात्रों को पर्यावरण के संबंध में जागरूक किया गया है और बताया गया है कि पेड़ों के अंधाधुंध कटाई से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है एवं प्रकृति पर प्रतिकूल दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते लोग तमाम असाध्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सभी को पर्यावरण के प्रति सजग रहने की जरूरत है। ऐसे में ये जीवनदायिनी पेड़ पौधे ही अगर नहीं रहेंगे तो हम या हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे बचेगी। ऐसे में हमें एकजुट होकर इसे गंभीरता से लेना होगा तथा वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करना होगा। साथ ही छात्रों को जल संरक्षण एवं पानी के अनावश्यक उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित किया गया।